नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमर दर्द की, यानी बैक पेन। बैक पेन यानी जो हमारा नीचे का एरिया होता है, जिसको लंबर एरिया भी बोलते हैं, L1, L2, L5 आपने बहुत सुना होगा। तो ये पीछे का जो एरिया होता है उसको लंबर बोलते हैं। वहाँ पर जो पेन होता है उसके बारे में आप आज बात करेंगे। दोस्तों, हर बैक पेन स्लिप डिस्क का या डिस्क डीजनरेशन का पेन नहीं होता है। जो लंबर एरिया का पेन होता है, जरूरी नहीं है कि किसी गंभीर बीमारी का सूचक हो। ये जो दर्द होता है, कमर दर्द, बैक पेन जो होता है, ये जैसे कि हमने कभी व्यायाम नहीं किया या योग नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया और अचानक से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, उसके कारण हो सकता है। या फिर भारी सामान उठाया हमने, उसके कारण भी बैक पेन हो सकता है। या बैक पीछे बैक, आजकल ऑफिस जाते वक्त जैसे हम लैपटॉप या और सारी चीज़ें लेके जाते हैं ऐसा पीछे करके, तो ज़्यादा देर तक कमर पे वो बैग रहने से उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा अभी आज बैठने का जो तरीका है, कंप्यूटर पे बैठ के लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह से बैठते हैं, सर झुका के आपकी रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा आप भार देते हैं, वो भी कारण हो सकता है बैक पेन का। मतलब आपके जो बैक, रीढ़ की हड्डी के अगल बगल जितना ज़्यादा स्ट्रेन और स्ट्रेन आएगा, उतना ज़्यादा आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम होगी। और कमर दर्द, ये जो कमर दर्द होता है, बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही अचानक से ज़्यादा दर्द हो जाएगा आपको। तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं सिर्फ डिस्क तो नहीं हो गया या डिस्क डीजनरेशन तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो आदत है गलत ढंग से बैठने की, गलत ढंग से चलने की, गलत ढंग से सोने की, पीठ पे ज़्यादा से ज़्यादा, जरूर से ज़्यादा भार देने की, उसके कारण भी ये लंबर पेन होता है। दोस्तों, अब समस्या इस बात की आती है कि हम कैसे, हमें मालूम पड़े कि ये हमारा जो बैक पेन है ये हमारे स्लिप डिस्क के कारण है या नॉर्मल बैक पेन है। तो उसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे मालूम पड़े कि आपका जो पेन है वो डिस्क, स्लिप डिस्क है या नॉर्मल है। तो क्या करेंगे, हम सीधा लेट जाएंगे। इस तरह से हम पहले चेक करेंगे कि हमारा जो बैक पेन नॉर्मल है या स्लिप डिस्क का पेन है। देखिए, इस तरह से लेट जाएंगे, सीधा पूरे शरीर को शिथिल कर देंगे। अब श्वास भरते हुए हम राइट लेग को उठाएंगे 90 डिग्री, लेकिन धीरे धीरे ले आएंगे। देखिए, इतना ला के रोक देंगे। अगर हमारा जो पेन है वो स्लिप डिस्क या डिस्क डीजनरेशन या डिस्क बल्ज का पेन होगा, तो हमारे लंबर एरिया में बहुत ही भयानक दर्द होगा, हम इसको उठा नहीं पाएंगे इसके ऊपर। फिर इतना लाएंगे तो फिर हमारे ये इस एरिया में पेन होगा और लंबर एरिया में और पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। ये इस बात का सूचक है कि आपका जो पेन है वो स्लिप डिस्क का पेन है। और अगर आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का जांघों में या जांघ के ऊपर की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पेन है वो नॉर्मल पेन है, स्लिप डिस्क का पेन नहीं है। इसी तरह से दूसरे पैर पे चेक कर लेंगे हम। हमारा पैर उठेगा ही नहीं अगर हमको स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज का पेन होगा तो। दोस्तों, ये था एक तरीका जिसके द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैक पेन है वो रीढ़ की हड्डी का दर्द जो है वो स्लिप डिस्क के कारण है या नॉर्मल है। तो आज हम जिन आसनों की चर्चा करेंगे, जिस व्यायाम के बारे में बात करेंगे, वो स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल जो बैक पेन है जो कई कारणों से होता है, जिसको मैंने पहले बताया है, तो उसके लिए है। स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए भी ये व्यायाम है, लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये व्यायाम, ये योगासन कर सकते हैं, और नॉर्मल जो है वो आराम से ये आसन कर सकते हैं। तो पहला जो आसन है वो हम करेंगे, लेट जाएंगे। अच्छा, देखिए, इसको जो आसन मैं कर रहा हूँ, इसको कहीं कहीं कटी चक्र, कहीं कहीं कमर चक्र, कहीं कहीं मरकट आसन भी कहते हैं। तो आप नाम पे ज़्यादा ध्यान न दें, आप काम पे ध्यान दें, जो इसका काम है। इसका काम है आपके कमर दर्द को ठीक करना। देखिए, दोनों पैरों को श्वास भरते हुए इस तरह से घुटने से मोड़ेंगे और दोनों पैर आपस में जुड़े हुए हों, ठीक है। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके
सर के पीछे रखेंगे, थोड़ा सा मैं और नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए सर के पीछे रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए ध्यान दें, श्वास पे जरूर ध्यान दें, श्वास छोड़ते हुए हम अपने दोनों पैरों को एक साइड यानी लेफ्ट साइड नीचे की तरफ झुकाएंगे और ज़मीन से जो हमारा लेफ्ट पैर है वो ज़मीन से टच होगा, राइट पैर राइट घुटना दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेंगे और हम सर को राइट साइड घुमाएंगे, इस दोनों पंजे दोनों घुटना एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, थोड़ी देर रहेंगे, अगर आपको ज़्यादा देर रहना है तो श्वास नॉर्मल ले सकते हैं, नहीं तो होल्ड करेंगे और फिर श्वास भरते हुए सीधा आ जाएंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ भी करेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए एक बार कर देता हूं मैं। अगर आपको होल्ड करना है आप थोड़ी थोड़ी देर होल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे होल्ड करेंगे तो लगभग एक मिनट तक होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अब यहाँ पे हमने होल्ड किया है तो हम श्वास जो है धीमे धीमे ले सकते हैं, फिर श्वास भरते हुए सीधा आ जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरफ जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर श्वास भरते हुए ये हो गया हमारा एक। दूसरा, हाथों की स्थिति ऐसे ही रखेंगे इंटरलॉक करके सर के पीछे ही और दोनों पैरों में मैट के जितना डिस्टेंस देंगे। अब एक पैर को हम इस तरह से ज़मीन पे टच कर देंगे और दूसरे पैर को जो पंजा है दूसरे पैर का हमारा दाहिने पैर का जो घुटना है उसको बाएं पैर के पंजे पे रखेंगे और सर को इस तरह से राइट साइड इसी तरह से दूसरे पैर से भी कर लेंगे हम। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले जाएंगे, ये घुटना पंजे से टच होना चाहिए, कोशिश करेंगे, मान लीजिए शुरू में नहीं होता है आपको तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो 2-4-6 दिन में आपका आराम से टच होने लगेगा। ये हो गया दूसरा प्रकार। अब तीसरा, हम अपने पैरों को कैची की तरह एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, दोनों हाथ नीचे की तरफ आराम से और जिस तरफ ले जाना है वो हाथ से हम, जैसे मान लीजिए हमको बाएं तरफ ले जाना है नीचे तो हम बाएं हाथ को राइट जो घुटना है उसके पकड़ेंगे उसको और श्वास छोड़ते हुए देखिए जितना नीचे ले जा सकें कोशिश करेंगे कि इसको टच कर दें ज़मीन पर, ये देखिए और सर इस तरह से कर देंगे, श्वास भरते हुए सीधा आ जाएंगे, सेम दूसरे पैर से भी कर लेंगे, देखिए ये हो गया आपका। ये तीन प्रकार, तीन कटी चक्र आसन इसको बोल सकते हैं, कमर चक्र आसन बोल सकते हैं, ये तीन प्रकार हो गया। इसके बाद हम इसी तरह से लेटे रहेंगे और सर्वोत्तान आसन करेंगे। सर्वोत्तान आसन अपने शरीर को खींचना है पूरी तरह से, देखिए हाथों के इंटरलॉक करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और सर के पीछे ले जाएंगे और हाथों को जितना पीछे खींच सके खींचेंगे और पंजे को इस तरह से नीचे, तो ऐसा महसूस करेंगे कि कोई हमारा पंजा पकड़ के, पंजे का अंगूठा पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है और हाथ पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा है। तो इस स्थिति में हम रहेंगे 10-15 सेकंड जितना रह सकते हैं शुरू में, फिर नॉर्मल हो जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, ये सर्वोत्तान आसन है, इसको 3-5 बार हम करेंगे। तो दोस्तों आपको इतना ही करना है, सुबह के वक्त करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, अच्छा रहेगा, फ्रेश रहता है, फ्रेश एयर रहती है, फ्रेश माइंड रहता है। लेकिन अगर आप सुबह आपके पास समय नहीं है तो आप रात में भी कर सकते हैं इसको,
ध्यान रहे ये रहे कि खाना खाने का जो टाइम आपका होता है 8 बजे 9 बजे 10 बजे जो भी टाइम है उससे 2 घंटे पहले आप इस आसन को कर सकते हैं। ये आसन करते वक्त ध्यान ये रहे कि जिसको ब्रेन की सर्जरी हुई हो या हार्ट की सर्जरी हुई हो या एब्डोमिनल इस एरिया की कोई सर्जरी हुई हो तो वो लोग इस आसन को नहीं करें, नहीं तो आपकी वो तकलीफ को बढ़ा देगा। इसके अलावा जो और भी लोग हैं वो आसानी से इसको कर सकते हैं। और अगर आपको के कोई सुझाव हैं, कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं यथावत प्रयास करूँगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।